ये देखिए कितना अमेजिंग और कितना मज़ेदार स्नैक्स लग रहा है। फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार और बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप रेड बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ प्रेस करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा परांठा, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद होता है और साथ ही साथ बड़ों को भी बड़े मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। मैंने लिया एक बॉल, इसमें हम डालेंगे मैदा। आप मैदा की जगह व्हीट फ्लोर भी ले सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ मैंने एक कप मैदा ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। दोस्तों, अब इसमें हमें डालना है थोड़ा थोड़ा पानी और इसका नरम आटा जो है वो लगाकर हमें करना है तैयार। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें, एकदम से नहीं डालें, ताकि आटा जो है हमारा बिल्कुल नरम लगकर तैयार हो, एकदम से ढीला ना हो जाए। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही झटपट बन जाती है। आप बच्चों के टिफ़िन में या फिर उनको ब्रेकफास्ट में या फिर शाम की छोटी मोटी भूख में दे सकते हो। थोड़ा सा जब आटा बाइंड हो जाए तो उसमें 2 चम्मच डालेंगे तेल, रिफाइंड ऑयल, और इसे अच्छे से मसल मसल कर थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। देखने में ही आपको लग रहा होगा बिल्कुल नरम आटा। गेहूं का आटा भी आप इसी तरह से गूंथ लीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे आप मैदा से बनाएं चाहे आप व्हीट फ्लोर से बनाएं। बहुत अच्छे से इस तरह से मसल के और फिर उसको टक करके रख देंगे हम। अब मैं इसे रेस्ट करने दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। दस मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं आटे को। आटा हमारा बिल्कुल नरम लग के तैयार हुआ है। आप हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लें और इसे फिर से मसल लें थोड़ा सा। अब इसकी हम लोई काट लेते हैं। तो लोई काटने के लिए मैंने इसे थोड़ा सा ड्राई आटा डाला है और उसको बिल्कुल थोड़ा सा ड्राई आटे का इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ मैंने मैदा ही लिया है ड्राई फ्लोर, और उससे फिर लोई आप काट लीजिए। यहाँ मैंने इतने आटे से ये 3 लोई काट कर तैयार कर ली हैं। इसे दोनों हाथों से अच्छे से मसल मसल कर इस तरह से रोल करते हुए हम लोई को तैयार करेंगे। आपको जिस तरह से परांठे के लिए आप लोई लेते हो, बस सेम उसी साइज़ की आपको लोई ये लेनी है। लोई हमने ले ली है, अब अगला स्टेप है इसे बेलने का। तो इसे अच्छे से रोल कर लेते हैं, थोड़ा सा दबाकर आप इसे अच्छे से बेल लीजिए। दोस्तों, ये मैदा है तो मैदा जो है बेलने के बाद थोड़ी देर में थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे बड़ा बेल रही हूँ। अगर आप आटे से बनाते हो तो एज़ यूज़ुअल जैसे पराठा बनाते हो आप उसी तरह से इसको बेल लीजिए, ना बहुत ज़्यादा इसे पतला रखेंगे हम, पराठे के साइज से हल्का सा चपाती से हम इसे मोटा रखेंगे। इसमें अप्लाई करेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस। आप पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से फैला लीजिए। अब इसमें डाल देते हैं हम टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट। अब इसे हम डालेंगे चीज स्लाइसेस। ये देखिए, इस तरह से मैं सेंटर में रख दूंगी चीज स्लाइस को। अब इसमें हम थोड़ी सी लगा लेते हैं टॉपिंग्स, जैसे हम पिज़्ज़ा में लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। तो यहाँ मैंने बारीक कटा हुआ लिया है प्याज, थोड़ा सा इसे डाल देते हैं। थोड़े से डाल रही हूँ मैं कॉर्न,
आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हो। थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं कैप्सिकम, शिमला मिर्ची, अब हमें इसमें डालनी है थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो, तीखा नहीं बनाना पसंद करते, तो आप इसमें चिली फ्लेक्स मत डालिए और इसको और ज़्यादा टेस्टफुल बनाने के लिए डालेंगे इसमें मिक्स हर्ब्स, ताकि उसमें एक रियल अरोमा जो है वो पिज़्ज़ा का वो आ सके। तो इसे कर देते हैं अब फोल्ड। इसके किनारों को हाथों से अच्छी तरह से दबा देंगे ताकि चीज़ जो है वो मेल्ट होके बाहर ना निकले। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ मैंने तवा ऑलरेडी रखा हुआ है गैस पर, इसे थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे हम। अब चाहो तो यहाँ पे बटर भी लगा सकते हो। अब हम रख देंगे पराठा, तो थोड़ा लो मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से पकने देंगे। दोस्तों पराठा आपको बहुत पसंद आने वाला है, आप पिज़्ज़ा को भूल जाओगे, पराठा ही ये रोज़ की डिमांड रखोगे कि पराठा ही बनाना है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। आपके बच्चे भी इसे बहुत पसंद करने वाले हैं, तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना एक बार तो, और डेफिनेटली ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये खाने में छोटे बड़ों सबको बहुत ही पसंद आता है। तो इसे बहुत अच्छे से हम सेक लेंगे और दोस्तों इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। आप इसे कभी भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या इवनिंग में कभी भी ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है और बहुत झटपट बनकर ये रेडी हो जाता है। लीजिए, दोनों तरफ से बहुत अच्छे से मैंने इसको सेक लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए क्या बढ़िया अमेजिंग पराठा। मैं इसको सेंटर से कट कर देती हूँ, बहुत गर्म है। ये देखिए एकदम चीज़ से भरा हुआ, खाने में भी हेल्दी और बच्चों को तो लगेगा ही बहुत टेस्टी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर इसे टेस्ट करवाइए, सब इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ।